हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम अपनी ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज, जिसपे कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज, ये है हमारी, जिसमें कि हम बेसिकली आंसर कैसे फॉर्मेट, भले फिर वो बात करें हम 3 मार्कर है कि 5 मार्कर है या फिर 11 मार्कर है, कैसे हमें प्रोसीड करना है उसको और कैसे एक वर्ड लिमिट के अंदर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स, फिगर्स और थ्योरी भी, अच्छी वाली थ्योरी लिखना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। सो दैट्स ऑल इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आर दिस सीरीज बेसिकली, और ये हमारी ऑन गोइंग सीरीज का 3rd नंबर का लेक्चर है फॉर यू। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची सहानी, और आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इशूज एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया, कि क्या क्या इशूज और क्या क्या इनिशिएटिव, जो कि आपका GS पेपर 2 पार्ट बी की ही ऑन गोइंग कंटिन्यूशन वाली सीरीज का 3rd लेक्चर है। तो इसमें हम आज सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी अगर मैं बात करूं कि ये पूरी सीरीज या पूरे लेक्चर्स जो है हमारे स्पेसिफिकली मेंस 2020 को फोकस करते हुए बनाए गए हैं, राइट, और क्यों हम पार्ट बी को GS पेपर 2 पार्ट बी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये हमारा टॉपिक इन अ साइड फ्रेम हमारे इस द्वारा कवर किया जा चुका है। तो इसीलिए जब हमारा थ्योरिटिकल पार्ट हम पढ़ ही चुके हैं और साइड बाय साइड अगर हम आंसर राइटिंग से भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक हमारी ओवरव्यू जो होगा उसका पूरा होल सेंट्रिक हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद GS पेपर 2 पार्ट बी, और बाकी सब आपको बता ही चुकी हूं मैं, जैसे कि हमारा पेपर जो पार्ट बी है GS पेपर 2 पार्ट बी या फिर GS पेपर 1, 2, 3 दोनों तीनों ही आपके पार्ट ए एंड पार्ट बी में रहते हैं। तो इसमें सब सेक्शन आपके 3 सब सेक्शन होते हैं, जिसमें आपके लिए फर्स्ट सेक्शन आपका बेसिकली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, देन 5 मार्क्स एंड एट लास्ट 11 मार्क्स जो होता है, इसमें बेसिकली आपका अलग अलग वर्ड लिमिट होती है, लाइक 15 to 20 आपकी 3 मार्क्स में रहती है। उसके बाद 80 वर्ड लिमिट जो है, 80 वर्ड्स 80 to 100 आपके 5 मार्क्स में, और 250 to 300 अराउंड जो है आपको बेसिकली यू हैव टू राइट इट इन 11 मार्कर्स, ठीक है, और इन होलसम आपके 3 मार्कर्स 15 दिए जाते हैं, 10 आपके 5 मार्कर्स दिए जाते हैं और 5 आपके 11 मार्कर्स दिए जाते हैं। सो इसी से आपका पूरा सम ऑफ 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनता है। ओके, और बाकी ये पूरा सीरीज जो है हमारे द्वारा, चाहे फिर वो हम बात करें प्रिलिम्स स्पेसिफिक या मेन्स स्पेसिफिक, या फिर हम कोर्स कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट ऑल स्टिक टू आपका 2020 जो न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसको देखते हुए पूरी सीरीज को तैयार किया गया है। और बाकी ये हमारा GS पेपर 2 पार्ट बी का सिलेबस है, जो कि मैं काफी बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, और अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन स्विच टू आर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो हमारा GS पेपर 2 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वहां पे मैंने पूरे सिलेबस को जो है बायफोकेट करके बहुत अच्छे से समझा रखा है। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट मी, आप इसको खुद से जो है पढ़ सकते हैं। एट लास्ट हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, लाइक मैं अगर बात करूं MPPSC मेंस का 2020 में जो अटेम्प्ट देंगे, ऐसे ही प्रिलिम्स स्पेसिफिक 2020 वीडियो लेक्चर सीरीज, मेंस का आपके मॉक टेस्ट सीरीज, प्रिलिम्स का आपके मॉक टेस्ट सीरीज, अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर्स के मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन की, और एट लास्ट हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम GS पेपर 1 to GS पेपर 6 तक, और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप जो है मेरा रेफरल कोड यहाँ पे यूज करेंगे तो यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और फिर भी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद अस। सो दिस इज ऑल अबाउट अ पार्ट। नाउ चलिए हम एक एक करके कुछ 3 मार्कर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूशन थ्योरिटिकल वाली सीरीज में भी, थ्योरी में भी पढ़ा कि अपने व्हाइट कॉलर वर्कर्स, पिंक कॉलर वर्कर्स, ब्लैक कॉलर वर्कर्स होते हैं, तो हियर आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एज अ 3 मार्कर की डिफाइन व्हाइट कॉलर वर्कर्स या हु आर व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, सो आपको यहाँ पे मिनिमम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना है ना। सो व्हाइट कॉलर वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म प्रोफेशनल, मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो भी आपका टर्सरी सेक्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज होते हैं, उन लोगों को अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स या जॉब्स बोलते हैं। उन्हें हम, उससे जो वर्कर्स वो जॉब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, और अगर वो जॉब जिससे रिलेटेड है, अगर वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो इट नोन एज व्हाइट कॉलर जॉब्स। आपसे वर्कर्स की जगह जॉब्स भी पूछा जा सकता है, और हियर वी कैन ऑल्सो इंक्लूड सम एग्जाम्पल लाइक आपका कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट, आपके स्टॉक ब्रोकर्स, डॉक्टर, डाइंटिस्ट, इनफैक्ट आई एम गिविंग यू सर्विसेज लाइक एजुकेशन, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को किस सेक्टर में रखा जाएगा, तो मेरे को टर्सरी सेक्टर में भी व्हाइट कॉलर वर्कर्स में रखा जाएगा। वेरी ऑफन दीज पोजिशन कैन बी हाईली स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग एंड रिक्वायर गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, तो ये नाउ अडेज इट इज वेरी जो है
स्ट्रेसफुल होती हैं, डिमांडिंग होती हैं और प्रॉपर गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये एक होल कवरेज देता है आपका व्हाइट कॉलर वर्कर्स के लिए, है ना। तो इस टाइप से आपको आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट आर द मेजर या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, कि सर्विस सेक्टर का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या पॉजिटिव साइड है। सो द सर्विस सेक्टर मेक्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP इन मोस्ट कंट्रीज। सबसे ज्यादा तो GDP आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा होता है। जॉब प्रोवाइड करता है इनपुट एंड पब्लिक सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। ट्रेड सर्विसेज कैन इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यू एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज। ये अलग अलग ट्रेडिशनल रेंजेस को और एक्सटेंड करता है, ट्रेड को इनकलकेट करता है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करता है, जॉब्स को प्रोवाइड करता है, जॉब्स बढ़ाता है, ट्रेड की सर्विसेज को स्मूद इन करता है। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज सेक्टर। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द 3 मार्कर इज द मेजर बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सपोर्ट्स के मेजर बेनिफिट क्या है, सो इट इज बेसिकली इंक्रीज योर सेल्स पोटेंशियल। की पहले क्या हो रहा था कि विद इन द आपका एक्सपोर्ट क्या, मतलब एक्सपोर्ट इन जनरल अगर पूछा जाए या मतलब क्या होता है कि अपने नेशन या किसी स्पेसिफिक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जो है सामान को भेजना, गुड्स या सर्विसेज को भेजना, है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा सेल का पोटेंशियल, जो हमारे पास गुड्स पड़े हुए हैं या फिर हम हमारी टेरिटरी में डम्ब्ड है, उसको हम दूसरी जगह भेज सकते हैं। वाइल इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट कैन हेल्प बिजनेस रिड्यूस, लेकिन इम्पोर्ट करते हैं तो हम बिजनेस रिड्यूस हो सकता है। तो ये एक तरीके का निगेटिव क्लॉज है आपके लिए इम्पोर्ट के लिए, लेकिन हम उसको इस एक्सपोर्ट करके और अपना पोटेंशियल को बूस्ट अप कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट कैन इंश्योर इंक्रीजिंग सेल, सेल पोटेंशियल, इंक्रीज प्रॉफिट। एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट कैन लार्जली कंट्रीब्यूट इंक्रीज योर प्रॉफिट। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट पे ही एनहांस होता है, आपका नेशन की GDP, नेशन का इकोनॉमिक सेक्टर को बहुत ज्यादा आपका हैम्पर करता है क्या, एक्सपोर्टिंग सेक्टर। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स और एल्स वी कैन से एडवांटेजेस टूवर्ड्स एक्सपोर्ट सेक्टर। तो ये इस टाइप के आपके 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे मैं एक होल सेंट्री आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपको बताते चल रही हूं, बाकी आपका कुछ भी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ पे 3 मार्कर्स खत्म होते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स 5 मार्कर्स, और 5 मार्कर्स में हमको अराउंड 80 से आपको 100 वर्ड लिमिट आपकी होती है। सो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या मेंस पे आपसे क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये जो हमारी एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, इसको हम एक्सिम पॉलिसी भी बोलते हैं, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे पॉजिटिव साइड है। तो ये नहीं कि अपन सीधे ही ऑब्जेक्टिव लिखना चालू कर दें। सबसे पहले एक हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लाइक इंडिया, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, या कोई फैक्ट एंड फिगर्स देख सकते हैं कि इस बार हमारा एक्सपोर्ट ऐसा हुआ, इंपोर्ट, एक जनरल इंट्रोडक्शन, ताकि हम प्रोसीड कर सके आंसर को, है ना। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, 3 मार्कर में डायरेक्टली हमें 15 से 20 वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड की मीनिंग, उसका एग्जांपल, अगर एडवांटेजेस पूछे तो एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस पूछे तो डिसएडवांटेज, बट हियर वी हैव इंक्रीज आवर वर्ड लिमिट्स, यहाँ पे अपनी वर्ड लिमिट्स अच्छी बढ़ चुकी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि 80 से 100 वर्ड्स है तो अपन 20-30 वर्ड्स का इंट्रो लिखे, 20-30 वर्ड्स का कंक्लूजन लिखे, और बीच में जो मेन क्वेश्चन की फुल रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग अपन 50 से 60 वर्ड्स वो लिखते। तो दैट्स ऑल कि आपका एक फुल कवरेज देता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को, राइट। सो इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि एक्सिम पॉलिसी को ही हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। इन जनरल एम एट डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब कि हमारा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अच्छा हो सके, इम्प्रूव कर सके हम एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को, एनकरेज कर सके फॉरेन ट्रेड को, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस कर सके, मैनेज कर सके, इन सब के लिए हम एक प्रॉपर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बनाते हैं। और यही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। तो इस टाइप से आपने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया। नेक्स्ट वी व्हेन वी फर्दर प्रोसीड, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही आपसे पूछे गए हैं। सो टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी फॉर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू हाई लेवल ऑफ, जैसे कि हमने देखा कि एक्सपोर्ट आपका क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मेंस, ये सब क्रिएट करता है, इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है। तो ऑब्वियसली पहला ऑब्जेक्टिव अपना यही हो गया कि जो लो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसको स्विच कर देता है आपका हाई लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो जाता है ना। टू
stimulate the sustained economic growth by providing access to essential raw material, intermediaries, component, consumable and capital goods. की एक जगह से दूसरी जगह हमने export किया सामान या import भी किया, तो हमें raw material की availability, किसी कोई goods है, कोई services है, कोई components है, कोई car बनाने के बीच के by products है, intermediaries है, उनकी भी requirement हमें full हो जाती है ना. To enhance the techno लोकल स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, तो आप सर्विसेज को भी आप जो है हायर कर सकते हैं दूसरे देशों से, तो ये भी एक तरीके से हम सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करते हैं. टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि लोग फिर क्या होगा फैक्ट्री में लोगों को और जरूरत पड़ेगी, या फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स को हायर करेंगे, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट. टू प्रोवाइड क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, की हमें वर्ल्ड लेवल पे जो है एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए एक रीजनेबल प्राइस में एक प्रोडक्ट को तैयार करना होता है. तो दीज ऑल आर द पॉजिटिव साइड्स और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो इन अ नटशेल अपन एंड में क्या लिखेंगे, पॉलिसी फोकस ऑन ओनली लो वैल्यू गुड्स इन अ कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल एंड प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी, मतलब लो वैल्यू गुड्स और हमारी प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी को देखा जाता है. एक्सक्लूजन ऑफ द चीफ इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स ज्वेलरी, इन सबको थोड़ा सा दरकिनार किया गया. तो एक तरीके से हमने थोड़ा सा नेगेटिव साइड से लिखते हुए इसको हमने एंड कर दिया या कंक्लूड कर दिया कि हमें जो है इसके हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी के तरफ भी या हाई वैल्यू गुड्स के तरफ भी देखना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो लो वैल्यूड गुड पे ही फोकस कर सके, बिजनेसमैन जो हाई वैल्यूड गुड्स से भी इन्वॉल्व है उनके लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो समझ में आया आपको कि हमने कैसे इसको प्रोसीड किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा, ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे तो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे, इन अ नट चल एक हमने एक अपना ओवरव्यू दे दिया कि हम एक वे फॉरवर्ड या फिर हम एक एट लास्ट क्या एड ऑन कर सकते हैं टुवर्ड्स ऑन गोइंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे आंसर को फ्रेम करते हैं, जो कि हमारा आंसर बेसिकली 5 मार्कर होता है, या फिर हम बात करें 80 to 100 वर्ड्स में अगर हमें किसी आंसर को कवर करना है. नेक्स्ट ऐसी अगर हम नेक्स्ट 5 मार्कर की बात करें, सो डिस्कस इन ब्रीफ द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया, कि सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया का बेसिकली आप डिस्कस करिए, बताइए कि इंडिया का सर्विस सेक्टर कैसा है. तो सबसे पहले तो हम एक स्टार्ट करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करेंगे, है ना. फिर उसके बाद हम पॉइंट फ्रेम मेकअप, क्योंकि ज्यादातर आप अगर पॉइंट्स में लिखते हो ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन लगता है, एक तरीके से सिस्टमैटिक कॉपी लगती है, तो इसलिए हम ज्यादातर पॉइंट वाइज लिखते हैं. अगर आपको पैरा में भी लिखना है तो पैरा में भी ऑल्सो यू कैन प्रोसीड. सो इंडिया सर्विस सेक्टर हैज इमर्ज एज अ प्रोमिनेंट सेक्टर इन टर्म ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स नेशनल एंड स्टेट्स इनकम, ट्रेड फ्लो, एफडीआई इनफ्लो एंड एम्प्लॉयमेंट, की मतलब इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसकी वजह से इनकम, एम्प्लॉयबिलिटी, नेशन की इनकम, ट्रेड का फ्लो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों में क्या हुआ है, कंट्रीब्यूट किया है आपके सर्विस सेक्टर ने. सो दिस सेक्टर हैज पुलिंग अप द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद अ ग्रेट अमाउंट, ही ओवरऑल आपका जो है पुल कर रही है इंडिया की इकोनॉमी को, कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट एंड इंट्रोडक्टरी पॉइंट. अब हम कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं कि कैसे ये ग्रेट अमाउंट में जो है पुल कर रही है, अब उसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं. सो द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन जीडीपी हैज डबल सिंस इंडिपेंडेंस. तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जीडीपी में जो है सिंस इंडिपेंडेंस से अगर हम डेटा देखें तो डबल हो चुका है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन. ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम शेयर्स, जो सबसे ज्यादा आपका शेयर्स होता है वो ट्रेड, होटल्स, ये इस टाइप की आपकी सर्विस सेक्टर जो है इन्वॉल्व कर रही है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोथ दी सर्विसेज शोज परसेप्टेबल इंप्रूवमेंट इन देयर शेयर्स ओवर द ईयर. कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज विद अ शेयर ऑफ 0% इन इट्स थर्ड प्लेस. कंस्ट्रक्शन एंड अ बॉर्डर लाइन सर्विसेज इंक्लूड इज एज अ फोर्थ प्लेस, कि मतलब आपका ये परसेंटेज वाइज बोल दिया, कि बता दिया कि सबसे ऊपर आपका ट्रेड भी है, तो ट्रेड कौन से परसेंटेज पे है, कितना बॉर्डर लाइन, कंस्ट्रक्शन कौन से एरिया में. तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट आपका स्टैटिक डेटा कि हमारा सर्विसेज सेक्टर में कौन से डिपार्टमेंट का, कौन से सेक्टर का कैसा इंप्रूवमेंट चल रहा है. अब अगर हम बात करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई का कैसा इन्फ्लो होता है हमारे पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर में, सो द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहां पे कुछ आपसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बोला, इससे यहां पे सिर्फ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि डिस्कस कीजिए कि आपका सर्विस सेक्टर इंडिया का कैसा है, तो आपको खुद से ही अलग अलग ओवरव्यूज लेके आने हैं. ठीक है, तो अब हम एफडीआई के बारे में अगर बात कर ले, तो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इज क्लोजली लिंक्ड टू द एफडीआई इनफ्लो इनटू द सेक्टर. आपका पर्टिकुलर सेक्टर में आपका कितना एफडीआई आ रहा है, द रोल ऑफ ट्रांसनेशनल फर्म्स, व्हाइल द एम्बिग्युटी इन क्लासिफाइंग द डिफरेंट एक्टिविटीज अंडर द सर्विसेज,
कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल बेसिकली कि कितना क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंबाइंड एफ डी आई शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, कितना डायरेक्ट पोर्टफोलियो के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है. तो ओवरऑल हमारा सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर टेली कम्युनिकेशन इन सबका शेयर सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफ डी आई में आता है. अगर नेक्स्ट हम बात करें एज अ कंक्लूजन की, सो द सर्विस सेक्टर कवर्स अ वाइड एरिया ऑफ एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सेक्टर्स लाइक टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट मैपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू द सिंपल सर्विसेज लाइक मतलब अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज भी होती है लाइक टेली कम्युनिकेशन रिसोर्स मैपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नॉर्मल भी लाइक अपना प्लम्बर कार्पेंटर बाबर. तो ये सर्विसेज में भी आपस में काफी ज्यादा डिफरेंसेज हैं बट इन अ होलसम ये आते हैं आपके सर्विसेज में ही हैं. तो यहाँ से हम एक ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं अपने सर्विस सेक्टर के डिस्कशन को. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली सिंपल डिस्कशन अबाउट सर्विस सेक्टर इन इंडिया. ठीक है, तो ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से इसका आंसर को फ्रेमवर्क करना चाहिए. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एक 11 मार्कर मतलब कि हमें करीब 250 से 300 वर्ड्स में इस आंसर को लिखना है ना, तो हमारा अब इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बड़ा होने वाला है, अपना पॉइंट्स भी अपने थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे और एट लास्ट कंक्लूजन भी एक हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बैलेंस करके एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यू मतलब अपना वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं. सो इंडिया का आईटी सेक्टर इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस टुडे व्हाई, तो ये पूछ लिया कि मतलब सबसे पहले तो हमें बताना ही पड़ेगा क्या आईटी सेक्टर होता है, क्या सही में ये चैलेंज फेस कर रहा है, कब से कर रहा है, कब से आईटी सेक्टर इंडिया में ग्रोथ हुआ और क्यों कर रहा है ना, और फिर इन नेचुरल हम एक कंक्लूजन लिख देंगे. तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे मैंने फ्रेम किया है आंसर को और आपको भी इसी तरह से फ्रेम करना है ताकि आपको भी एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे मार्क्स मिल सके. सो इंडियाज आईटी सेक्टर हैज प्रोपेल्ड इट फ्रॉम द हिंदू ग्रोथ रेट. नॉर्मली जो ग्रोथ रेट होता है सिंस इंडिपेंडेंस हिंदूज की क्वांटिटी या हिंदूज का परसेंटेज ज्यादा था इसलिए हम ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं, बाकी इसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है. ओके, टुवर्ड्स अ हाई ग्रोथ टेरिटरी सिंस 1990s. हाउएवर देयर इज नाउ वाइड स्प्रेड स्पेक्टिसिज्म टू सराउंडिंग द 150 बिलियन डॉलर इंडियन आईटी इंडस्ट्री की. अभी तक 150 बिलियन डॉलर की आईटी इंडस्ट्री है, इट इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस. अब देख लेते हैं हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है. लाइक अगर हम बात करें स्लोइंग डिमांड ड्यू टू वीक मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, दिस इज पर्टिकुलरली विजिबल इन द हेल्थ सेक्टर विच इज अंडर गोइंग ओवरहॉल इन मेजर कंट्रीज सच एज यूएस यूके यू. तो आपकी डिमांड काफी ज्यादा आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर से काफी कम हो रही है. राइज ऑफ ऑटोमेशन विच इज गोइंग टू रिप्लेस एंट्री लेवल ऑफ सपोर्ट बैक ऑफिस एंड लीगल जॉब लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, कि मतलब कि आपका जितना ज्यादा ऑटोमेशन वगैरह जो है मैकेनाइजेशन का यूज हो रहा है तो धीरे धीरे आपकी जो लीगल जॉब्स हैं एम्प्लॉयमेंट है वो सब भी आप ठीक है. तो कैसे ये हमारा ओवरऑल कैसे ये वर्क करता है कि लीगल वर्क या लीगल जॉब्स को भी एक तरीके से ऑटोमेट हो रहा है, मशीन्स का यूज हो रहा है धीरे धीरे, तो इसकी वजह से जॉब छिनती जा रही है. अनसर्टेन रेगुलेटरी क्लाइमेट अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक लोग जैम इन WTO टॉक्स फॉर ट्रेड इन सर्विसेज या आपके अलग अलग इंडिया यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, अगर मैं फर्दर बात करूँ लाइक जो हमारी अनसर्टेनिटीज जो कि फेलियर्स हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिलेटेड, तो वो भी एक तरीके से इशू है टुवर्ड्स आपका सर्विसेज सेक्टर. इफ आई फर्दर टॉक अबाउट द स्किल मिसमैच, कई बार एक कंट्री में अलग स्किल्स होती हैं अलग टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज होती है और दूसरे कंट्री में या दूसरे सेक्टर्स में अलग होती है, तो इसलिए मिसमैच हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है. फर्दर इफ आई टॉक अबाउट चेंजिंग नीड्स जो टाइम टू टाइम आपकी लाइक बिग क्लाउड कंप्यूटिंग फिनटेक ये फाइनेंशियल रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में चेंज होती जा रही है, तो ये भी एक तरीके से कितना ज्यादा इंसान जो है पर्टिकुलर पर्सन जो है स्किल्स को एनहांस करता जाएगा. रिसेंट चेंजेस इन मैनेजमेंट मेजर ऑर्गेनाइजेशन लाइक TCS इन्फोसिस, तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी आपके प्योर आपका जो मैनेजमेंट है उसकी प्रूनिंग और उसकी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है आईटी सेक्टर काफी ज्यादा सीरियस चैलेंजेस आज की डेट में फेस कर रहा है. दो मास ले ऑफ एनुअल कलिंग इन आईटी सेक्टर स्टैग्नेंट सैलरीज विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सनल एक्सेट्रा सजेस्ट दैट द बेस्ट फेज ऑफ सेक्टर इज ओवर. इट इज कॉन्ट्रोडिक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, क्यों दिस इज टू बी टर्म एज अ चेंज नॉट अ क्राइसिस, कि मतलब ये हम ऐसा ऐसे एक पॉजिटिव साइड बेसिकली बोल रहे हैं कि ये हमेशा सीरियस नहीं लेना चाहिए, एक हो सकता है कि एक चैलेंज भी हो कि धीरे धीरे टाइम के फ्रेम के साथ और धीरे धीरे विद अ चेंज ऑफ टाइम हमें नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहिए. इंक्रीज कॉम्पिटिशन इतना इंक्रीज हो रहा है तो हमें ये सब चीजें और अच्छे से पता होनी चाहिए. ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो धीरे धीरे डिजिटल हो रहे हैं, इसलिए हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब जो आपके टारगेट्स नई नई टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं ताकि इसका जो गेनिंग
या फिर पॉजिटिव साइड देखा जा रहा है, लोग ज़्यादातर इस पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स नॉर्म्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को ही एनहांस करता है। और जैसे हमने बात किया बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी विल ऑल्सो एंडेवर्स IT देन द कोडिंग और BPO, तो इसीलिए जो है धीरे धीरे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता जा रहा है, लेकिन ये एक चेंज हमारे अच्छे के लिए ही है। तो इन नटशेल वाई को हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज किया और देयरफॉर फॉर इंडिया टू रिले ऑन IT एज अ ग्रोथ इंजन फॉर अ नियर फ्यूचर अडेप्टेबिलिटी in the form of reskilling, innovation and dynamism is the key to sustain the same. So this is all about the facing challenges और इन challenges को हम कैसे positive side में भी देख सकते हैं, इसको हमने आज की class में जो है discuss किया। बाकी overall 3 markers, 5 markers, 11 markers को कैसे लिखना चाहिए वो भी discuss किया। I hope आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है then please share with your friends as well. That's all for today's class. Thank you and have a great day.